हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गार्डनिंग विद वैष्णवी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ एग शेल के अमेजिंग यूज। तो ये हम सॉइल में एग शेल डालेंगे तो उससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो पहले चलिए देखते हैं एग शेल में क्या होता है। तो एग शेल में 39.15% कैल्शियम, 0.4% नाइट्रोजन, 0.38% मैग्नीशियम होता है। ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो आप कभी आपके घर में एग शेल लाए तो उन्हें कभी फेंकिए ना। तो उनका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो पहले उसका यूज़ हम कर सकते हैं कंपोस्टिंग में। जी हाँ, एग शेल अगर आप कंपोस्ट बिन में डालोगे तो धीरे धीरे जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो कंपोस्ट में ऐड हो जाएंगे और ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करेगा और आपको कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका जो घर का वेस्ट होता है, किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, उसमें आप एग शेल को ऐड कर दीजिए और वो कंपोस्ट बिन में इस तरीके से रख दीजिए। और ये देखिए, यहाँ पे बनाना पील, अनियन पील्स, लेमन पील्स, इनसे काफ़ी हाई फाई फर्टिलाइजर बन सकता है। अगला यूज है हम सीडलिंग्स के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये छोटे से सीडलिंग्स होते हैं जो हमेशा ही कुछ वेदर चेंज की वजह से या कुछ ओवर वाटरिंग की वजह से वो फेल होते हैं। उसके लिए हम एग शेल का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे एग शेल यूज़ करेंगे हम। तो एग शेल को आप छोटा सा होल बनाइए, वहाँ पे छोटी सी सॉइल डालिए और उसमें ये देखिए इस तरीके से आप सीड्स डाल के उनको उगा सकते हैं और ये काफ़ी आसानी से उगते हैं। और इनको एग शेल से तो कैल्शियम वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और इसमें ओवर वाटरिंग का प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एग शेल इसको पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सब लोग अपने गार्डन में रोजेस को तो ग्रो करना चाहते ही है ना, बट बहुत बार आपके रोजेस खराब हो जाते हैं, इनमें कोई इन्फेक्शन होता है या छोटे छोटे रोजेस आते हैं, या टमाटर ग्रो करना चाहते हैं बट टमाटर में भी कोई डेफिशिएंसी आती है। तो चलिए, तो इस तरीके से आप एक शेल के टुकड़े करके पॉटिंग मिक्स में डाल दीजिए, जैसे रोज का पॉटिंग मिक्स है या टमाटर का। तो उससे उनको धीरे धीरे कैल्शियम नाइट्रोजन मिल जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो जो रिजल्ट होगा आपका फ्लावर या ब्लूम बहुत बड़ा आएगा। अगले हम यूज कर सकते हैं इसे, जो हम एग बॉईल करते हैं बिना नमक के, हाँ, तो उसको हम पानी डाइल्यूट करके पौधों में दे सकते हैं, जैसे कलंचू या इस तरीके से ज्यादा पानी में मिक्स करके इसको मिस्टिंग भी कर सकते हैं। ये काफी आसान तरीका है वैसे। अगला जो है वो हम इसको एज ए मिनीचर गार्डन के लिए यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे सक्कुलेंट्स प्लांट कर सकते हैं। सक्कुलेंट को फर्टिलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए, यहाँ पे कितने सुंदर पोटोला का हमने प्लांट किए हैं। और एग शेल का यूज़ है, देखिए हम उसे यूज कर सकते हैं जब हम वाटर प्रोपोगेशन करते हैं। जी हाँ, अगर आप वाटर प्रोपोगेशन में थोड़े सा एग शेल पाउडर करके डालोगे पानी में तो रूटिंग काफ़ी आसानी से डेवलप होगी, क्योंकि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए वो आसानी से मिलेंगे। आपको कोई और रूटिंग हार्मोन यूज करने की ज़रूरत भी नहीं, पानी में आसानी से कटिंग ग्रो हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइए। हाँ, थैंक यू सो मच, सी यू अगैन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।